दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। पूरे 22 दिन बाद यानी 8 दिसंबर के बाद आज यानी 30 दिसंबर को भारत सरकार के नुमाइंदों ने, कैबिनेट मंत्री ने आज फिर से किसानों से बात की। 7वें दौर की यह वार्ता थी। 7 दौर की वार्ता में भी किसानों की जो सबसे बड़ी, सबसे जो प्रमुख मांगे हैं, जिन पर इतना बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हो गया है और अब तो केवल दिल्ली के आसपास नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में आंदोलन हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों बिहार में वहां पर विधानसभा के सामने प्रदर्शन में बहुत लोग पीटे गए पुलिस लाठीचार्ज में। अनेक राज्यों में इस तरह की स्थितियां हैं, लेकिन आज भी सरकार ने किसानों की जो प्रमुख मांगे हैं उनको विचार उन पर नहीं किया, उनको कंसीडर नहीं किया, उन पर कोई सहमति नहीं बनाई। जबकि उम्मीद की जा रही थी कि वर्ष के अंत में शायद इस सरकार को सद्बुद्धि आवे और किसानों की प्रमुख मांगों को वो मंजूर कर ले, जिससे कि धरना प्रदर्शन का ये दौर समाप्त हो जाए। सर्द रातों में जबकि कई जगह पारा माइनस में चला जा रहा है इस समय, और तब भी हमारी सरकार ने बूढ़े, बच्चे, औरतें, तमाम तरह के लोग जो धरना में बैठे हुए हैं उनके लिए राहत का कोई इंतजाम नहीं किया। आज जिन दो बिंदुओं पर सहमति उभरी है, जैसा कि कैबिनेट मंत्री नरेंद्र तोमर जो कृषि को देखते हैं, कृषि के प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने बताया और किसान नेताओं ने भी उसको अप्रूव किया। मैं सुन रहा था बिल्कुल लाइव डिस्कशन में कुछ जगहों पर, उसमें भी इन लोगों ने कहा, किसानों में से कुछ नुमाइंदों ने, कि पराली वाला जो एक कानून बना था जो बहुत ही जनविरोधी है, उसमें किसानों के लिए राहत देने पर सरकार सहमत हो गई है। यानी उसको डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा, उसको आपराधिक जो एक उसका चरित्र था कानून का, उसको सरकार बदलेगी। बेवजह के जो किसानों को दंडित किया करना, उन पर आपराधिक मुकदमे चलाना और बड़ी रकम की वसूली का जो आदेश जारी करना, वो सिलसिला खत्म कर दिया जाए। तो चलो एक कदम आगे थोड़ी सी बात बढ़ी। दूसरा जो आया कि बिजली जो बिल है, जो निश्चित रूप से जिसकी भूरी भूरी निंदा हुई थी पूरे देश में, जिसका मसौदा सबने पढ़ा देखा, बहुत लोगों ने अभी वो चूंकि विचारार्थ है, अभी वो कानून बना नहीं है, लेकिन लोगों को मिल गया था उसका मसौदा, तो उसको पूरे देश के तमाम जो समझदार लोग हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, उन्होंने खारिज किया था सिरे से। उस पर भी सरकार सहमत हो गई है कि किसानों से संबंधित जो प्रावधान हैं उनको वो डिलीट कर देगी, उनको वो हटा लेगी और किसानों के राहत का इंतजाम करेगी। मुझे लगता है कि ये जो सहूलियतें देने पर राजी हुई है सरकार, वो पहले से ही उसने मन बना रखा था, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि इतने दिनों के बाद सरकार ओपन यानी खुलकर सामने आई कि हाँ जी, ये हम छोटी छोटी मांगे आपकी मानने को तैयार हैं। तो आपने अनाउंस कर दिया होता पहले ही, इसके लिए आज के इस दौर को आपने क्यों चुना, इतने दिनों के बाद ये बताने के लिए कि हाँ जी, आपकी हाशिए की दो जो मांगे हैं वो हम मान लेते हैं, लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी मांग है यानी 3 कृषि विनाशक जो कानून है, इनको कृषि विकास का नहीं कृषि विनाश का कानून कहना चाहिए, ये 3 जो कृषि विनाशक कानून है इनको वापस लेने के लिए सरकार ने कहा है कि हम फिर इस पर बात करेंगे 4 जनवरी को, यानी अगले वर्ष को भी नहीं छोड़ेंगे। 2020 में सरकार अपनी जो एक जिद है उसको एक तरह से दफन कर सकती थी, लेकिन अपनी जिद को 2020 में सरकार ने किसानों के लिए दफन करने से एक तरह से नामंजूर किया। अब वो 2021 में उसको ले गए। दूसरा उसमें है कि MSP का जो इश्यू है, MSP पर और ये 3 कृषि विनाशक जो कानून है, इन पर सरकार और किसान नेताओं के बीच जो वार्ता का क्रम है वो जारी रहेगा। अब देखना है कि 4 जनवरी की बैठक में होता क्या है। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ये अच्छी तरह मालूम है कि इस किसानों के आंदोलन से, किसानों के इस धरना विशाल प्रदर्शन से, जिसमें देश विदेश से, पूरी दुनिया से जितनी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं,
सबका उनको समर्थन मिल रहा है। गायक, लेखक, बुद्धिजीवी, फिल्मकार, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सबकी इसमें एक हिस्सेदारी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और यह आंदोलन शुरू में जब आया था सामने, तो सरकार ने, सत्ताधारी दल ने कहा यह पंजाब हरियाणा वालों का आंदोलन है, फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश को भी उन्होंने माना, अब यह पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। अब सरकार को यह बात समझ में आ गई है कि इस आंदोलन की दिशा और इसका स्वरूप जब इन सर्द रातों में भी इतना जबरदस्त कायम है तो आगे क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की सबसे बड़ी समस्या क्या है, सरकार किसी कीमत पर नहीं चाहती कि कारपोरेट और जो ग्लोबल जो मार्केट है उसकी जो बड़ी कंपनियां हैं खासकर एग्रो बिजनेस में, उनको किसी तरह से वो एक तरह से जो उनसे वादा है सरकार का उससे वो वापस हो। वो नहीं चाहते कि कारपोरेट को तनिक भी परेशानी हो इन कानूनों को वापस लेने से, पहला यार। और दूसरा जो मसला है कि सरकार की सबसे बड़ी जो परेशानी है, मैं समझता हूं नंबर वन की परेशानी इन कानूनों को वापस लेने में, वो है कि इस किसान आंदोलन में अब तक अतीत के हुए सभी किसान आंदोलनों से जो बिल्कुल अलग है, जो बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी राजनीति ही केवल अलग नहीं है, इसकी कल्चर अलग है, इसकी सोच अलग है, इसकी दिशा अलग है, इसके मोबिलाइजेशन का तौर तरीका अलग है, इसकी हिस्सेदारी का चेहरा अलग है। और दोस्तों यही कारण है कि सरकार सबसे ज्यादा इस आंदोलन की राजनीति, इस आंदोलन की संस्कृति से घबराई है। इस आंदोलन से उभरती हुई नई राजनीति से इस सरकार को आपत्ति और परेशानी है और चिंता है, चुनौती है। और मैं समझता हूं कि अगर सरकार सचमुच ये सोचती है कि उसके लिए ज्यादा बेहतर तरीका क्या हो सकता है इस चुनौती से निपटने की, तो वो यही है कि इन तीनों कानूनों को वापस ले ले, क्योंकि ये कानून सिर्फ इनकी वापसी से ये किसान आंदोलन संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि हमारे देश की कृषि का जो विनाश भविष्य में होना है और तेजी से विनाश जो होना है वो रुक जाएगा, कृषि बच जाएगी, किसानी बच जाएगी, खेती और किसानी और खेतिहर मजदूर और किसान सभी तरह के तबकों के लिए एक राहत का बड़ा संदेश देगी ये सरकार। और मैं समझता हूं कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। टकराव हमारे जैसे देश में, हमारे जैसे विकासशील समाज में टकराव कोई तरीका नहीं हो सकता, कोई विकल्प नहीं हो सकता विकास का। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही दोस्तों, आप सबको नए वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2020 तमाम आपदा का, महामारी का, तानाशाही का, निरंकुशता का एक अजीब तरह का चेहरा लेकर हमारे समाज में आया। हम आशा करें कि 2021 हमारे सब आप सब के लिए बेहतर हो, हमारा माहौल भी लोकतांत्रिक हो, समाज भी समावेशी बने और महामारी से भी निजात मिले। इन शब्दों के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.